नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर अमित गौतम NIOS के स्टूडियो में आप लोगों का DL.ED प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो है मूल्यांकन उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, मूल्यांकन के प्रकार और आंतरिक मूल्यांकन। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जो शिक्षा का संबंध है वो बालक के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति से किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित रहता है और मापन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं अथवा विशेषताओं के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी छात्र या छात्रा ने 50 में से 35 या 40 अंक प्राप्त किया, परंतु 50 में से 35 या 40 अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अध्यापक को ये भी जानना होता है कि छात्र की प्राप्तांक कितने अच्छे हैं और मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन के अगर अर्थ को हम जानने का प्रयास करें तो मूल्यांकन के अंतर्गत किसी भी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन का होता है मूल्य प्लस अंकन, या मूल्यांकन का अर्थ हम कह सकते हैं मूल्यांकन जिसमें मापन के साथ उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः तीन बातों के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी रही, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे। इन सभी बातों का ध्यान हम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान रखने का प्रयास करते हैं। अब हम मूल्यांकन की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। या कहें कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखते हैं और व्यक्ति के विकास और उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। NCERT के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य सीमा किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी है और इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों के साथ होता है। ये बालकों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य, प्रभाविकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। अब हम मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किसी भी पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना भी होता है और इसके द्वारा हम परीक्षा प्रणाली में सुधार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बालकों को, छात्रों को निर्देशन परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान भी कर सकते हैं। इसके साथ हम अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करते हैं और बालकों के व्यवहार संबंधित परिवर्तनों की जांच करते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों में अधिगम की मात्रा ज्ञात करने में भी किया जाता है। मूल्यांकन का प्रयोग अनुदेशन की प्रभावशीलता ज्ञात करने एवं उसके अनुरूप अपनी क्रियाओं के नियोजन में किया जाता है। बालकों की दुर्बलता में तथा योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में भी मूल्यांकन काफी सहायक होता है। मूल्यांकन के द्वारा हम नवीनता एवं प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की भी खोज करते हैं। अनुदेशन की प्रभावशीलता का हम कक्षा में पता लगाते हैं। जो हमारी प्रचलित शिक्षण विधि है तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार लाने की कोशिश करते हैं। बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि किसी भी कक्षा में ये आवश्यक है कि बालक की श्रेणियों का वर्गीकरण किया जाए, जिसके अनुरूप कोई भी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संचालित कर सके।
हम बालकों की अधिगम कठिनाइयों का भी पता मूल्यांकन के द्वारा लगाते हैं। बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना भी मूल्यांकन का ही एक कार्य है, और इसके आधार पर ही हम शिक्षण व्यूह रचना में सुधार करते हैं और उनका विकास करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। मूल्यांकन की आवश्यकता के महत्व को कई सारे बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है कि मूल्यांकन के द्वारा बालक की मानसिक शक्ति, रुचि तथा दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। साथ ही साथ छात्रों को हम मूल्यांकन के आधार पर व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन देते हैं। हम मानकों का निर्धारण करने के लिए भी मूल्यांकन को अति आवश्यक मानते हैं, और बालकों की कक्षा उन्नति और कक्षा विभाजन में मूल्यांकन काफ़ी सुविधा प्रदान करता है। अब हम मूल्यांकन प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। मूल्यांकन, जैसा कि हम जानते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कुछ पद निश्चित होते हैं जिन पदों का अनुसरण करके हम मूल्यांकन को पूरा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम मूल्यांकन में उद्देश्यों का चयन और निर्धारण करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, और उन उद्देश्यों को सही तरह से कक्षा के अनुरूप, कक्षा की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हम उन उद्देश्यों का विश्लेषण कर रहे हैं जिनके लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तत्पश्चात हम ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि कौन कौन सी मूल्यांकन प्रविधि हैं जिनके द्वारा बालकों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, और उन मूल्यांकन पद्धतियों का हम चयन करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगले बिंदु में हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रविधि हैं, उनका प्रयोग कैसे करें, प्रयोग किस प्रकार से करें, और उन प्रयोगों के आधार पर हम परिणाम कैसे निकाल सकते हैं, और उन परिणामों की व्याख्या और हम सामान्यीकरण करते हैं। इन पदों के आधार पर हम एक क्रम अनुसार आगे बढ़ते हैं और परिणाम निकालने में समर्थ हो जाते हैं। इसके आधार पर ही हम प्राप्त परिणामों की व्याख्या करके सामान्यीकरण कर लेते हैं और किसी भी निर्णय पर पहुंचने में समर्थ हो पाते हैं। और हम मूल्यांकन के द्वारा ये देखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी परीक्षण में अधिकतम अंक क्या हैं, बालकों द्वारा प्राप्त निम्नतम तथा उच्चतम अंक क्या हैं, प्राप्त अंकों का औसत क्या है, अमुक छात्र की क्षमता सीमा क्या है, छात्र ने अपनी योग्यता व इसके अनुसार योग्यता के अनुसार कहाँ तक अंक प्राप्त किया। अब हम मूल्यांकन के प्रकार की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में विज्ञान अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तीन अवस्थाओं से गुजरता है, शिक्षण पूर्वावस्था, शिक्षणावस्था और शिक्षणोपरांत अवस्था। विज्ञान शिक्षण में ये और महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह के मूल्यांकन करने से पूर्व शिक्षक ये देखे कि शिक्षण से पूर्व बालक की अवस्था क्या है, शिक्षण के दौरान बालक की अवस्था क्या है, और शिक्षण करने के पश्चात बालक की क्या अवस्था है, अतः कि बालक में कितना सुधार आया। इनमें मूल्यांकन में तीन तरह से मुख्यतः मूल्यांकन करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन की। इस मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर करते हैं। यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं। विज्ञान शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य हेतु किया जा रहा है या विद्यार्थी द्वारा अधिगम अर्जन में किया जाने वाला परिश्रम उपयुक्त दिशा और दशा को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूल्यांकन परिणामों के द्वारा कमी की ओर संकेत कर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि अपने शिक्षण तथा अधिगम विधि कार्यप्रणाली, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां तथा वातावरण आदि में अनुकूल परिवर्तन लाया जाए। इसके विपरीत परिणाम संतोषजनक होने पर उसी तरह अग्रसर होने या उससे कुछ बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। मूल्यांकन के परिणाम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सदैव ही एक नवीन रूप देने के लिए नई तरह से उसका निर्माण करता है और उसी दिशा में प्रयास करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों का निर्माण या विकास के कार्य को सही दिशा और दशा में प्राप्त कराना है। इस प्रकार के मूल्यांकन में निम्न दो प्रकार की प्रविधियां प्रयुक्त होती हैं, औपचारिक जिसके अंतर्गत हम किसी भी तरह की ट्रेनिंग
अभ्यासकार चेकलिस्ट प्रश्नोत्तर प्रदत्तकार को ले सकते हैं और अनौपचारिक मूल्यांकन में हम विद्यार्थियों की टिप्पणियां, संवाद या पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं और अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हम योगात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं और यह मूल्यांकन कार्य पाठ या इकाई विशेष में शिक्षण अनुदेशन के पश्चात किया जाता है। इसके द्वारा ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि पाठ के शिक्षण अधिगम के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आए, अधिगम की दृष्टि से उनको क्या उपलब्ध हुआ। इस प्रकार के मूल्यांकन में भी दो प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती हैं, औपचारिक जिसके अंतर्गत अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षण, साक्षात्कार रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट कार्य आदि दिया जाता है, और अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समूह रचना, अवलोकन और विद्यार्थियों द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम अगले प्रकार के मूल्यांकन की बात करते हैं जिसको हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यह मूल्यांकन विद्यार्थी की अभिवृत्तियाँ, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों और अभिरुचियों से संबंधित शक्ति और कमजोरी के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षण से पूर्व विद्यार्थियों का निदानात्मक मूल्यांकन करते समय अध्यापक ये जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों को जो पाठ या विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसके संबंध में उनसे पहले वो कितना जानता है अथवा उस अध्ययन हेतु उसमें किस प्रकार की पूर्व योग्यताएं विद्यमान है। निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण की पूर्वावस्था या अनुदेशन से पहले करने के अतिरिक्त उस समय भी किया जाता है जब किसी पाठ या प्रकरण या इकाई का शिक्षण हो रहा है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अवबोध, रुचियों, उपलब्धि स्तर का पता लगाने हेतु इसको प्रयुक्त करता है। शिक्षण की क्रियात्मक अवस्था में किया गया निदानात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन के समान ही होता है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की गहन अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों की प्रकृति और उसके कारणों का निदान कर उपचारात्मक शिक्षण हेतु उचित कार्यक्रम नियोजित करता है और ये एक सकारात्मक कार्य होता है। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रियाओं के प्रविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार करें। विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली सभी मूल्यांकन प्रविधियों का प्रमुख रूप से दो तरह से विभाजन किया गया है, परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक विधि में हम तीन तरह से मूल्यांकन करते हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। इसके बाद होती है गुणात्मक प्रविधि। गुणात्मक प्रविधि में बालक के व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन जैसे अभिरुचि, अभिव्यक्तियाँ, आदत, व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों के मापन एवं व्याख्या हेतु इस तकनीक और प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इस गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें छात्रों से बातचीत करके सूचनाएँ एकत्रित करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंतराल कहाँ है और उसे दूर कैसे किया जा सके। तत्पश्चात व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। इस विधि में छात्र के मनोवैज्ञानिक गुण तथा भौतिक पर्यावरण के संबंध में मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन करते हैं। अगली विधि है प्रेक्षण, जिसमें छात्र की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली घटना को वस्तुनिष्ठ तरीके से अभिलेख तैयार करते हैं। अगली विधि है आत्म प्रतिवेदन, जिसमें छात्र स्वयं अपने बारे में तथ्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है संचित अभिलेख पत्र, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहारगत परिवर्तनों पर उपलब्धि को एक ही प्रपत्र पर लिखकर सुरक्षित किया जाता है। घटनाक्रम, स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। निर्धारण मापनी में छात्रों की योग्यताओं व उपलब्धियों को इस प्रकार जांचते हैं कि वह किस स्तर की है। पोर्टफोलियो, यह एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य का संग्रह है और यह छात्रों की उपलब्धि का एक रिकॉर्ड भी है। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं। अब हम मूल्यांकन की मान्यताओं की बात करते हैं। मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन विधि और प्रविधियों का भली भांति से ज्ञान होना चाहिए। जो भी व्यक्ति या जो भी विज्ञान शिक्षक इन प्रविधियों का उपयोग कर रहा है वो कम से कम इस बात को जानता है कि कक्षागत परिस्थितियों में इन मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रयोग किया जाए। मूल्यांकन एक अंत नहीं है वरन दूसरी चीजों के प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। मूल्यांकन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, साथ ही साथ यथासंभव त्रुटियों के जाल से बचना चाहिए।
मापन और मूल्यांकन दोनों ही छात्र के सीखने को प्रभावित करते हैं। मूल्यांकन का दायित्व विद्यालय, शिक्षक एवं अभिभावक सभी पर होता है। अब हम बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसको किस प्रकार से कक्षागत परिस्थितियों में लागू किया जाए। इसमें हम सबसे पहले इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी का मापन वही करे जिसने उसे पढ़ाया हो, क्योंकि वही शिक्षार्थी की प्रगति को माप सकता है। यह मूल्यांकन व्यापक और सतत होता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। आंतरिक आकलन शिक्षार्थियों को तीनों क्षेत्र में प्रगति की फीडबैक देने में सहायता करता है और इसके आधार पर शिक्षक शिक्षण विधियों व प्रदान किए गए अधिगम अनुभवों की प्रभाविकता पर चिंतन और मनन करता है। शिक्षक सही समय पर निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी के बोधात्मक भावात्मक कौशलात्मक पक्षों का निरंतर मूल्यांकन कर सकता है। निरंतर मूल्यांकन के कारण शिक्षार्थी को परीक्षा में अंतिम समय में पढ़ाई पर जोर देने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें परीक्षा का अनावश्यक तनाव बहुत कम हो जाता है। शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास में ये बहुत सहायक होता है। प्रभावी आंतरिक आकलन के लिए शिक्षक और विभिन्न मूल्यांकन तकनीकियों व उपकरणों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु सफल आंतरिक आकलन के लिए शिक्षक को अच्छी तरह से ट्रेन होना चाहिए व अपक्षपाती होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या होता है। छात्रों, ये इसलिए और आवश्यक है कि हमारे मन में या ज़्यादातर लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि मूल्यांकन और मापन एक ही शब्द हैं, लेकिन अगर हम इनको विज्ञान विषय के संदर्भ में बात करें तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अब हम इन अंतरों की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है और यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में आकलन करता है, जबकि मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन व्यवहार के कुछ आयामों को प्रति अंकन प्रदान करता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की स्थिति का वर्णन किया जाता है और इस प्रकार से किया जाता है कि उससे तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। मूल्यांकन के लिए श्रम, शक्ति, साधन तथा धन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मापन के लिए अधिक समय व श्रम आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिपीट करते हैं। मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि 45 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है। विद्यार्थी ये बताता है कि 45 अंक प्राप्त करने वाला छात्र परीक्षा में प्रथम है, द्वितीय या कुछ और उसकी अवस्था है। मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे 45 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है। मूल्यांकन बताता है कि 45 अंक प्राप्त करने वाला छात्र परीक्षा में प्रथम है, द्वितीय या कक्षा में उसकी कुछ और अवस्था है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत मापन की बात करें तो मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं। यह केवल इतना बताएगा कि छात्र ने विज्ञान विषय में 45 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन के आधार पर हम छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है कि छात्र का समग्र रूप कैसा है, जबकि मापन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट अवधारणा का निर्माण नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के हिसाब से भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि मापन में केवल परिमाणात्मक आधार पर ही मापन किया जाता है और यह केवल संख्यात्मक होता है। तो छात्रों, आज हमने विज्ञान में मूल्यांकन की बात की, उसके उद्देश्यों की बात की और मूल्यांकन का विज्ञान कक्षाओं में क्या महत्व है इस पर बात की। आज हम अपनी इसी परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं और डीएलएड के किसी और प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।